है मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ। अगर है उसने प्रकृति ने मालिक ने अगर सुर दिया है गले में लय की समझ दी है तो बिल्कुल विधिवत किसी अच्छे गुणी आदमी के सेवा में छोड़ो उसको और उसको थोड़ा तपने दो जी। तभी वो हीरा बनेगा। और फिर 2016 में सारे गांव पर जीटी पे भी मैं टॉप 24 तक पहुंचा तो इन चीज़ों से हौसला मिलता रहा। खुले आसमान में खुद को छोड़ कर तो देखो, जो कैद हो पिंजरे में उसको तोड़ कर तो देखो। मिलेगा एक नया जहां जब लगेगी नई उड़ान, काबिल हो तुम भी इस आसमान के ये विश्वास खुद से जोड़ कर तो देखो। नमस्कार, एरियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मैं मोनिका, और आज की इस खास मुलाकात में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है यहाँ पर, उनकी आवाज़ ही उनका परिचय है। तो जी हाँ, हमारे साथ में मौजूद हैं इस खास मुलाकात में जितेंद्र राणा जी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपना समय निकाल के हमसे आज कुछ संगीत के बारे में चर्चा करने आए। सर, हमारी इस बातचीत का दौर, इस सिलसिला को चालू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, आपकी आवाज़ जिसको सुनकर मैं भी फिलहाल मंत्रमुग्ध हूँ, तो कुछ अंश, कुछ गीत आप अगर पेश कर सकते हैं अभी। हाँ ज़रूर, मैं आपको राजस्थान के हवाले से एक राजस्थानी मार सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, कोई राजस्थानी गीत सुना देता हूँ। राजस्थान का तो खैर मैं हूँ ही, लेकिन अभी मैं थोड़ा मेरा सब्जेक्ट बदल रहा हूँ। हमारी जो स्वर की देवी माँ है, माँ सरस्वती, लता मंगेशकर जी, अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है जी, पर्दा लिया है अभी दुनिया से, लेकिन वो यहीं है, हमेशा रहेंगी। तो उनकी कुछ यादें मैं गुनगुना देता हूँ। मेरा गम रहा है शामिल, तेरे दुख में तेरे सुख में मेरे प्यार ने दिया है, मेरे प्यार ने दिया है तेरा साथ हर जन्म में। साया साथ होगा तू जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा तू जहाँ चलेगा। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, कभी मेरा गम न करना। मैं अगर बिछड़ भी जाऊं, प्यार याद करके कभी आँख नम ना करना। तो कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा तू जहाँ
साया साथ होगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। बहुत खूब सर, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि कितना अच्छा था ये। और बहुत सही बात कही आपने कि शरीर बदलते रहते हैं, हाँ। आत्मा अमर रहती है, हमारे कर्म, हमारा संगीत, हमारे सुर, हमारी जुबान जो होती है लोगों के दिल में रहती है। मैं मतलब इसी हवाले से हाथ जोड़ के क्या मतलब, मैं तो बहुत छोटा कण हूँ, मतलब जिस ताकत को हमने महसूस किया जब से मैं पैदा हुआ, और मतलब वो तो मेरे से पहले से ही थी और हमेशा अजर अमर है, जिस ताकत को, सुर की ताकत को हमने महसूस किया, वो बचपन में थे तो समझते नहीं थे इतना संगीत में, लेकिन इतना आज सीख भी रहे हैं और सीख रहे हैं, जैसे जैसे सीख रहे हैं समझ में आ रहा है, वैसे वैसे उस ताकत का अंदाज़ा लग रहा है जी। और अभी जैसे उम्र जैसे 60 हो जाएगी या 70 हो जाएगी, तब जाके समझ में आएगा कि हमने क्या खो दिया। बिल्कुल। लता मंगेशकर, सरस्वती माँ जो यहाँ पे, अब खैर ये शरीर है ये तो जाना ही एक दिन, लेकिन उन्होंने जो सेवा की है, हम सिर्फ उनकी इस प्रेरणा को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं कर सकते उनके आगे, तो कहना है क्या, मतलब हम तो कुछ बोलने, कुछ कहने लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी सेवा करते रहेंगे। बहुत सारे संगीतकार ऐसे हैं जिनकी एक इंस्पिरेशन वो बनी है, जिनके बदौलत शायद हमें इस दुनिया में, इस इंडिया के अंदर कितने सारे संगीतकार ऐसे मिले हैं जिनको भी सहारा, मतलब सहारनीय होते हैं वो भी। बिल्कुल सर, जो इस सिलसिले में जो सबसे अहम सवाल यही है कि आपने संगीत का सफ़र जो है वो शुरू कहाँ से किया, किस तरीके से शुरू किया? ये बैठे मेरे माता पिता, ये मेरे पिताश्री हैं, वो भी अपने एरिया के बड़े अच्छे संगीतकार हैं, और ये मेरी माँ, इनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ जी। बच्चों का कोई सपना होता नहीं है वैसे, और हम जहाँ पैदा हुए, जहाँ जहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, वहाँ पे हम होल्ड करते थे, जैसे मेरे भाई ने साइंस ले ली तो मैं भी साइंस लूँगा, बिल्कुल वो चलता था, मतलब ये बचपने की बातें हैं। तो इन्होंने जो स्ट्रगल किया लाइफ में, जो संगीत में देखा, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा हुनर है जिसको क्या है कि स्टेबल होने में बहुत समय लगता है। बिल्कुल। अगर आपकी मेहनत और आपकी लगन सच्ची है, या आप सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए आप जा रहे हैं, तो शायद आपको मंजिल मिल जाएगी, लेकिन जब बात पेट पालने की या बच्चों को पालने की या घर चलाने की आ जाती है, तो वो सिर्फ रोजी रोटी का साधन हो जाता है, फिर उसमें मंजिलें पाना वगैरह कुछ नहीं होता है। फिर भी ये चाहते थे कि मेरे बच्चे यार इतना स्ट्रगल कैसे करेंगे, कैसे वो इतनी दुनिया में लड़ेंगे, क्या करेंगे, तो चलो फील्ड चेंज करा के इनको कोई मेडिकल वगैरह एरिया में। तो ये कोशिश इन्होंने पूरी की, अपने छोटे से धंधे से मुझे, हम 5 भाई बहनों को पाला पोसा बड़ा किया, तो इनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। मैंने कोशिश भी करी, लेकिन जो अंदर जो जोत जल रही थी, जो वो फिर क्या होता है कि आपकी डेस्टिनी आपको वहीं लेके जाती है। तो आफ्टर 12th साइंस बायोलॉजी से मैंने PMT का एग्ज़ाम दिया था, प्री मेडिकल टेस्ट, उसमें सिलेक्शन पहली बार तो नहीं होता है, लेकिन फिर वो समझ में आ गया था कि ये कितनी कठिन डगर है, साथ में क्या इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे इतने, तो मजबूरन फिर हमको फैसला बदलना ही पड़ा। फिर हमारा जो पुश्तैनी काम है, ये हमारा गाना बजाना, ये हमारे पुरखों के समय से चलता आ रहा है, तो उसको ही वापस से हमने नई जान डाल के, और शास्त्र का संगीत मैंने सीख के, और फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने 6 साल का डिग्री लिया, 2 बार इसमें मैंने अव्वल गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और फिर 6-7 बार नेशनल भी चैम्पियन मैंने जीती, और फिर 2016 में सारेगामापा GT पे भी मैं टॉप 24 तक पहुंचा। तो इन चीज़ों से हौसला मिलता रहा, और इनके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है, मैं आज बोल रहा हूँ आपके सामने, मौका मिला है मेरे परम श्रद्धेय गुरुजी स्वर्गीय पंडित चिरंजीलाल तंवर, जिन्होंने हमको सुर की परिभाषा सुनाई भी, समझाई भी। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार उनका शागिर्द है, शागिर्दी से बोले तो फॉलोवर्स जी। मतलब जब भी हमको उनकी सेवा करने का मौका मिला, तो हमने दोनों हाथों से लिया, मतलब ऐसे बहुत प्यार करते हैं आज भी। तो स्वर क्या होता है, हम जो इस कला की पूजा करते हैं, सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और सब क्या एक प्रेरणा है, और वो प्रेरणा अगर आपको सही नहीं मिली, मतलब गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो वो प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली, और उनके सहारे से मैं उनके साथ 12-13 साल सेवा करने का उनका मौका मिला मुझे, और आज मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ, खुद भी मैं सीखता रहता हूँ, ये मेरा सफ़र रहा जी।
सर, जैसा कि आपने कहा कि जिस चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश की जाती है, पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है, तो इस शिद्दत में, इस सफ़र के अंदर किस उम्र से आपने इस शिद्दत को, इस चाहत को अपनी शिद्दत बनाया, और किस तरीके से जो गुरुजी थे आपके, उन्होंने सपोर्ट किया आपको, और किस तरीके, वो क्या एक सिनेरियो रहा, वो एक बार बताइए आप विस्तार। बिल्कुल, ये जब मैं मेडिकल एग्ज़ाम दे रहा था तो एक कमरे में मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मैं पूरा पढ़ता रहता था, लेकिन मेरे घर पे मेरे पिताजी को और मेरी मम्मी को गुरुचरण लाल जी की रिकॉर्डिंग चलती थी हमारे घर पे, तो पता नहीं इनको तो असर करती थी पर मेरे पे ज़्यादा करती थी असर, तो मैं गुनगुनाता रहता था, तो वो तो एक छोटी सी एक चिनगारी लगी थी मुझे। लेकिन जब 18 के हुआ तब मैंने 12th की थी, मतलब फिर 19 साल की उम्र मैंने प्री मेडिकल टेस्ट दिया, तो समझ में आ गया कि नहीं होगा। एक साल तक मैंने बहुत दम लगाया लेकिन नहीं हुआ। फिर 20 साल की उम्र में आके मुझे ये पता चला कि जयपुर जलेबी चौक, जो अपने सवाई मान सिंह संगीत महाविद्यालय, वहाँ पे जाके मैंने एडमिशन लिया था विशारद करने के लिए। तो मेरे मामा जी हैं बुंदू खां साहब, उन्होंने मेरे को कहा कि यार ये अपना पुश्तैनी काम है, संगीत थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा तेरे को, हो सकता है कि ऊपर वाला चाहे तो तेरे को नौकरी भी मिल जाएगी अपना तेरा आगे का। तो इस बहाने से उन्होंने मेरे को एडमिशन करा दिया। मैं समझता नहीं था इसमें सारे गामा क्या होता है, रेगा क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो 20 साल की उम्र से मैंने सा रे क्या है, गा क्या है, कोमल क्या है, शुद्ध क्या है, इसमें मेरे को 2 साल लग गए, मतलब समझ में नहीं आया वो। फिर जिनको मैं घर पर सुना करता था मेडिकल एग्ज़ाम के दौरान, उनको फिर मैंने कहा वो आवाज़ जयपुर की थी, वो कौन है, मतलब कहाँ रहते हैं। तो कैसे ना कैसे करके मैंने उनको ढूंढ लिया, ढूंढ के उनके चरण पकड़ लिए, और उन्होंने कहा कि पहले ऑडिशन देना पड़ेगा आपको, पहले मुझे सुनाओ तुम क्या करते हो। तो मैंने कहा सुनने सुनाने वाला तो कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन ये ज़रूर है कि जब से समझ में आया आपके संगीत कानून पढ़ा है, जो है वो आपका ही है। तो उनकी गाई हुई एक चीज़ थी भोपाली में, सुनाओ क्या एक गीत पूछ। अपने ये बहुत खुशी की बात है, अपने जयपुर के पूर्व IPS विजय वर्मा साहब, वो अभी तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, वो उनको लिखने का बड़ा शौक है, तो उनके काफ़ी सारे गीत लिखे हुए थे जो बड़े बड़े अच्छी हस्तियों ने गाए हैं, उनमें से मेरे गुरुजी ने भी कुछ गीत गाए थे। तो रिकॉर्डिंग में गुरुजी का गाया हुआ एक गीत, उनका लिखा हुआ, विजय वर्मा साहब का लिखा हुआ, उन्होंने कंपोज़ किया और मेरे गुरुजी ने उसको गाया, तो मैं उस गीत का बड़ा मुझे चाव था, तो मैं वो गाता रहता था। तो वो मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। इसके शब्द हैं, तुम रूठ गए दिल टूट गया, अब कौन सहारा है अपना जब साथ तुम्हारा छूट गया। और बड़े सभ्य बोल हैं और भावनाओं से उत्प्रोत है। सहारा है अपना जब सा
तेरा छूट गया, तुम रूठ गए, दिल टूट गया, अब कौन सहारा है अपना जब साथ तुम्हारा छूट गया, हमने ओ चाहत तो बहुत की थी हमने, तूफान से किनारा हो न सका, एक डूबने वाली के का सहारा हो न सका, और मझधार में तुमने छोड़ दिया, मझधार मझधार मैं तुमने छोड़ दिया, पतवार भी हमसे छूट गया जब साथ तुम्हारा छूट गया, तुम रूठ गए, प्यारे बोल और इतनी प्यारी आवाज़ के साथ में सुन करना, मतलब इस गाने को मुझे और सुनना है और देर तक सुनना है, मैं खुद अपने आप को रोक नहीं सकती। तब आपको समझ में आएगा क्या गाना है ये। मैं तो क्या गाऊंगा, हम तो मतलब क्या बोलते हैं कि एक मतलब उनसे सीख सीख के, मतलब ऐसा बोल, उनकी जो सुर की लौ थी वो थोड़ी समाई हुई है, लेकिन वो वही थे और वही रहेंगे, मतलब वो आवाज़ और वो उनकी लगन और उनकी वो मेहनत जो उन्होंने अपने जवानी में जो अपने काम के प्रति, अपने इस विद्या के सरस्वती माँ के प्रति उन्होंने जो लगन की थी वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हम उनके सुर और उनकी लगन के द्वारा। शिष्य की इतनी प्यारी आवाज़, इतने अच्छे सुर, तो गुरुजी तो वो तो वही हैं, भगवान के स्वरूप ही मान लिया जाए, शहद मान लीजिए आप उनको। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि आप गुरुजी के सामने गए, उनको अपना ये उनकी एक आवाज़ सुनी, उसके बाद में आप मंत्रमुग्ध हो गए कि मुझे इन्हीं से सीखना है, कौन है ये, तो क्या और भी बैरियर्स और चैलेंजेस आपको और फेस करने पड़े थे उस वक्त उस इस लाइन में आने के बाद में? बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका। बैरियर्स और देखो, समझो तो जो राई है वो पहाड़ है, और समझो तो पहाड़ राई है। बिल्कुल, ये जो मैंने बोली बात, मेरा गांव है 60 किलोमीटर दूर यहाँ से, सामोद के पास पड़ता है इटावा बोब जी, और ये जयपुर शहर है, शहर से हमको दूरी जो लगती है वो आने में कम से कम 2 घंटा, जाने के लिए 2 घंटा। तो बैरियर तो ऐसे थे कि मैं मेडिकल लाइन का लड़का, कभी ज़िंदगी में रोटी बनाना नहीं सीखा मैंने जी। कभी सब्ज़ी बनाना नहीं सीखा, मुझे सब्ज़ी का भाव पता नहीं, रोटी का भाव पता नहीं, ठीक है। जब मैं जयपुर में शिफ्ट हुआ, आज तो बच्चे सीखते हैं वो फुल फैसिलिटीज़ के साथ में जाते हैं कि नए कपड़े और सब, मतलब माता पिता ने सब चीज़ दी हैं, हमारे माता पिता ने सिर्फ हमको जन्म दिया है और परवरिश दी है और इतना मजबूत बनाया है कि हम किसी भी तूफान, किसी भी मुसीबत से टूटे नहीं, यही इनका मतलब इतना बड़ा वो ब्रह्मास्त्र था हमारे साथ, तो हम टूटते नहीं थे मैडम। जब जयपुर पहली बार शिफ्ट हुआ तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास तो एडमिशन के पैसे भी नहीं, ये मेरी माँ बेटी हैं, उन्होंने पता नहीं क्या अपना गिरवी रखे आई थी, कौन सा वो
कोई पाजेब वाजेब थी वो सुनार को दी, और उसने कोई 3200-3300 रुपये दिए थे इनको, वो एक साथ जमा होते हैं 1500 रुपये, तो साल भर की फीस एक साथ जमा होती है, वो दिया प्लस मेरे बिछाने का बिस्तर, वो नहीं जो आप बिस्तर जिसको वो होते हैं क्या होते हैं गद्दे, वो नहीं आसन, गुदड़ी बोलते मैडम हमारे, गुदड़ी होती कपड़ों से, पुराने कपड़ों से बनते हैं उसको जी। वो ऊपर एक बेड शीट, दो गुदड़ियाँ, बेड शीट और एक ओढ़ने की रजाई बिना कवर की, और एक मेरे दादाजी के हाथ का टूटा हुआ बाजा। आज तो तानपुरा भी चाहिए 8000 का, बाजा भी वो चाहिए स्केल चेंजर, तो बैरियर्स तो मैं आपको कितने गिनाऊंगा कि शायद सुबह हो जाएगी, उनकी बात नहीं करता मैं। जिसने ज़िंदगी में बैरियर नहीं देखे, जिसने ज़िंदगी में संघर्ष नहीं देखा, वो मीठे से चरका और चरके से मीठे का स्वाद पहचान ही नहीं पाएगा। हम आज उस चरके को मीठा बना पाए हैं, तो ये माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का सबसे बड़ा आशीर्वाद, यही ज़िंदगी में सबसे बड़े स्तंभ थे। सर जैसा कि आप इस सफ़र से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हैं, तो अब आपकी फर्दर प्लानिंग्स क्या है कि किस तरीके से आप इस संगीत में अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं? योगदान की बात कहूँ तो मुझे लगता नहीं मेरे से कुछ हो पाएगा, क्योंकि मैं तो उसकी सेवा कर लूँ, और मतलब ये का मतलब इतना ही हो पाएगा। योगदान तो मैं जिन लोगों ने करके दिया, अपनी ज़िंदगी पूरी स्वाहा की है इसमें, उनका है योगदान, तो हमारा क्या योगदान है मैडम? उन्होंने बताया कि कोमल रे भी एक चीज़ होती है, उनका योगदान है। इन्होंने बताया कि सा के अलावा रे भी सुर है, एक रे के अलावा गंधार भी सुर है, उनका है योगदान। ये एक बना के उन्होंने हमको दिया, बनी बनाई चीज़ रागे बना के दे दी, ये भी उनका योगदान। रागों में किस किस तरह से काम हो सकता है, जैसे आपने मियाँ तानसेन का नाम सुना होगा, सब ने सुना है, बच्चे बच्चे ने सुना है, उन्होंने संगीत में योगदान, उनका योगदान देखिए आप। उन्होंने बोला कि असर होता है, लेकिन असर कैसे होता है, उन्होंने बताया कि एक राग को ये फला राग गाएंगे तो उससे जानवर अट्रैक्ट होते हैं और वहीं खड़े हो जाते हैं। उन्होंने एक राग गाया जिससे बारिश करवा के दी, उन्होंने असर बताया। एक राग उन्होंने गाया कि दीपक जल गए, पर्दे जल गए, वो खुद भी जलने लग गए, ये तो शास्त्र कहता है। तो ये है योगदान, हम क्या योगदान कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि पहले तो ये हम अच्छे से हमको आ जाए, फिर योगदान के बारे में भी अगर कुछ हो सका हमसे तो ज़रूर, हम तो पूरे ही मतलब समर्पित हैं जी। सर जैसा कि जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जो संगीत से जुड़े जो लोग हैं वो सुन रहे हैं, उनको आप क्या एक मैसेज छोटा सा एरियल न्यूज़ के माध्यम से देना चाहेंगे? मैसेज देखिए, मेरे तो उम्र भी कम है, और मैसेज जो मेरी तरफ से है वो मेरे से छोटों को ही हो सकता है, मैसेज मेरे से बड़े कोई उनके लिए, उनका तो आदेश ही मेरे सिरोधारी है। मैसेज ये ज़रूर देना चाहूँगा मैं, मेरे उम्र के बच्चे या मेरे से जो छोटे हैं या जो संगीत के श्रोता हैं, जो संगीत से प्यार करते हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती ये है कि संगीत और ये विश्व बहुत तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन आज भी जो सुरों का असर है और जो सच्चाई है, जो सही संगीत है, कृपया उसको प्रमोट करें, ठीक है? अपने बच्चों को सही संगीत की तरफ लेके जाओ। ये जो आज चल रहा है, कुछ भी बच्चा अगर बेसुरा भी गा रहा है तो माँ बाप ध्यान नहीं देंगे और उसको स्टूडियो में खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि जो मेरे बच्चे गाना रिकॉर्ड करो। अब जिसने रिकॉर्ड किया है वो तो आपसे पैसे लेगा, वो सिंपल एक सॉफ्टवेयर डालेगा और खट से वो बेसुरा बच्चा सुर में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि न तो बच्चे को ये पता ही पड़ पाएगा कि यार बेसुरा और सुरा होता क्या है, ठीक है? तो मेरा ये कहना है कि कृपया बच्चों को संघर्ष से ना पीछे हटाएं, और उनको अगर है उसने प्रकृति ने मालिक ने अगर सुर दिया है गले में, लय की समझ दी है, तो बिल्कुल विधिवत किसी अच्छे गुणी आदमी के सेवा में छोड़ो उसको, और उसको थोड़ा तपने दो जी। तभी वो हीरा बनेगा। ये इतने हीरे हो गए आजकल कि मैं माफ़ी चाहूँगा, इंडस्ट्री में भी हैं ऐसे हीरे जिनको ये पता ही नहीं कि मैं हीरा हूँ भी नहीं, जिनको आप लाइव नहीं सामने, जैसे संगीत क्या है कि करके दिखाने की विद्या है ये, हाँ भाई क्या है, वो स्टूडियो में तो बड़े ऐसे गाते हैं कि ओ हो क्या गाया है, उनको लाइव खड़ा कर दो आप 2 सेकंड नहीं सुन सकते उनको, बिल्कुल उससे सोचा मैं ही अच्छा गा लेती हूँ उससे बुरा न मानेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेहनत करके एक स्टेबिलिटी जो आती है वो सेवा मेहनत लगन से जो चीज़ आएगी वो, ये तुरंत 4 गाने सीखे स्टूडियो में खड़े हो गए, 4 गाने सीखे स्टेज पर चढ़ गए, 4 गाने सीखे और अपने आप को सिंगिंग रियलिटी शो में आ गए, ऐसा नहीं है। आज भी सुर की उतनी कदर है, उतनी ही इज्जत है, उतना स्कोप है, सब कुछ है, लेकिन उसको उस तरह से देखना पड़ेगा। तो मेरे लिए जो मेरी तरफ से मैसेज है जो श्रोताओं को वो ये है कि आप सच्चे संगीत को प्रमोट करो,
अच्छा संगीत सुनो क्या अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैं कुछ भी गा रहा हूँ तो मुझे क्या गाया मैंने मुझे पता है। अब सारे गा पा दसा पा दा मुझे पता है मैं क्या गा रहा हूँ तो वो कब पता पड़ेगा मुझे? जब तक मैं सीखूंगा नहीं, जब तक मैं मेहनत करूँगा नहीं, गलत नहीं होऊंगा, तपूंगा नहीं, तब तक ये पता नहीं पड़ेगा। तो यही मेरा मैसेज है सर। मुझे ये जो आपने मैसेज दिया ये मुझे बहुत सही लगा कि इस संगीत को सीखने के लिए संघर्ष जरूरी है। हाँ। सेवा जरूरी है और मेहनत ज़रूरी है। इसके साथ में मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के साथ में एक डिसिप्लिन जो होता है वो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप सुबह उठते हो, आप अपने किसी भी काम में हो, सुबह आपकी उठने का टाइम है 6 बजे, 6 बजे आप उठते हो, अपने दैनिक कार्य करते हो, 7 बजे नाश्ता करके आप अपने जो भी यूनिफॉर्म पहन के सीधे अपने काम पे, 8 बजे आपको पहुंचना होता है। फर्ज मानिए ये आपका डिसिप्लिन है। 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक आपका वर्क रहता है। 6 बजे आप वहाँ से निकले, 7 बजे अपने घर पहुँचे, दैनिक कार्य शुरू, रात को 10-11 बजे आप सो जाएंगे। ये तो है अनुशासन जी। अब थोड़ा सा अपन डिसाइड होते हैं अनुशासन से। आप उठते हो 6 बजे, फर्ज मानिए आपकी आँख खुली है 7:15 बजे, आपको 8 बजे ऑफिस पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे आप? ये काम लेट हो गया, 7:15 बजे आप इतनी स्पीड से काम करोगे इसमें तो 10 काम था तो गलत ही हो जाएंगे जी। कई छूट जाएंगे। 8 की जगह आप 9:45 बजे ऑफिस पहुँचोगे, 1.5 घंटे काम डिले हो गए, आपको सुनना और पड़ेगा, इमेज खराब होगी, फिर आप अगले काम कीजिए पूरा दिन दिमाग खराब रहेगा, फिर आप शाम को भी जब सके यार क्या करूँ, फिर वो काम छूट गया वो छोड़। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन का मतलब है सिस्टम में चलना। आप जैसे सिस्टम से आउट होते हो तो आपका अनुशासन बिगड़ गया जी। तो अनुशासन, खुद का शासन, खुद पे शासन, खुद को कंट्रोल, मानव बहुत बड़ी शक्ति है जी। मानव शक्ति कंट्रोल होगी किसी से और से नहीं, इसका जो कंट्रोलर है वो अपने पास है। तो हमको अपने आप को ऐसे सिस्टम में डालना है कि मिस्टेक ही ना हो कहीं। तो अनुशासन इसलिए ज़रूरी है। संगीत में अगर आप कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं, तो अनुशासन ये कहता है कि सुबह आप अपनी आवाज़ को साधिए, साधो, सुर को साधो। सुर मतलब है आपकी सांस, सांस से निकलने वाला हर सुर, सुर को देखो, ये शुद्ध है, ये कोमल है, ये नहीं है, ये वो है, ये वो है, जो भी है, जो भी आपने गुरु सीखा है, स्कूल से सीखा है, कहीं सीखा है, तो उसको साधो डिसिप्लिन से, रियाज करो, मेहनत करके, टूटना नहीं है। फिर आपने जो भी शिक्षा लिया है, फिर शाम को गुरु जी के पास जाओ, सुबह जाओ गुरु जी के पास पूछो, लेकिन अनुशासन थोड़ा सा बिगड़ा, आपने रियाज करना छोड़ दिया, फिर सीख के दिखा दो, फिर आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। तो अनुशासन का तो बहुत बड़ा रोल है जी। जैसा कि बिल्कुल सही कहा आपने कि डिसिप्लिन ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, संघर्ष ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में संगीत को पाने के लिए। और जल्दबाजी में कभी मंजिल नहीं मिलती। अगर मंजिल सच में चाहिए तो आपको अपने संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा। और इसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए, हमें इतना वक्त देने के लिए। और जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो सर की आवाज़ कितनी प्यारी है वो आपको इस इंटरव्यू के दौरान ही आपको पता चल गया होगा। इसी के साथ में मैं मोनिका सोनी, नमस्कार।